ये किशन सिंह का खेत है जहाँ इस वक्त आरएनडी और जीरा की फसल हुई है, लेकिन जैसे ही इन्हें पता लगा इनके खेतों में टिड्डी दल ने आक्रमण कर दिया है, उसके बाद अब ये अपने हाथों से ताली बजाकर और थालियां बजाकर इस तरह से टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ में छुपी हुई टिड्डियाँ भी बाहर निकल कर इस तरह से उड़ती जा रही है। ये वही टिड्डियाँ जो अब तक फसल ख़राब कर रही थी इनकी, और ये लोग परेशान हैं कि जब फसल अच्छी खासी नज़र आने लगी है तो ऐसे में ये टिड्डी अब इनके पूरे खेत को ही इस तरह से बर्बाद करी। जहां आपको नज़र जाएगा ये लोग जहां से जा रहे हैं टिड्डियों के किस तरह से उड़ रही है, देखिए ये सभी टिड्डियां उड़ रही है, खेतों में छुपी हुई थी। तो यही सबसे बड़ी इन किसानों की दुश्मन बनी हुई है, और इस दुश्मन से निपटना इन्हें भी पता है कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त ये पहुँच जाती है और देखते ही देखते पूरी फसल को चट कर जाती है। और किसान इसी से बचने की पूरी तरह देसी जुगाड़ में लगे हुए हैं। इन टिड्डियों में जोर जोर से इनको थाली बजाया जाता है, ये जैसे थाली बजना है, देखिए ये थाली बज रहा है, इस थाली को बजाकर ये टिड्डियों को उठा रहे हैं, हाथ से तालियां भी बजा रहे हैं, क्योंकि ये वो देसी जुगाड़ है जिसके चलते यहाँ पर है। तो जहाँ आपकी नज़र दूर दूर तक जाएगी वहीं इसी तरह से ड्रम डब्बे थालियों की सहायता से ये किसान देसी जुगाड़ करते हुए इन टिड्डियों को भगाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि इनकी फसल जो बची हुई है वह बची रह सके। सूरज चढ़ने के साथ ही टिड्डियों ने भी अब अपना असली रूप दिखाना शुरू हो गया। वे आसमान की ओर निकल चुकी हैं, खेत खलियानों की तरफ, जहां पर उन्हें फसल नज़र आ जाए। और जैसे ही फसल नज़र आती है उस खेत में जाकर ये बैठ जाती हैं, और इस तरह से चाहे रात भर उन पर कितनी भी दवा का छिड़काव क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन दवाओं का असर जिस तरह से लेट हो रहा है, 4 से 5 घंटे का वक्त, यह टिड्डी दल के लिए काफ़ी होता है किसी भी फसल को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए और किसी भी तरह चौपट करने के लिए। यही कारण है कि ये टिड्डी दल आसमान में एक साथ इतनी बड़ी आफत बनकर किसानों के सामने पहुंच चुकी है, और किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इनसे बचे तो कैसे। हालांकि घरेलू तरीके उनके पास है, लेकिन वे भी काफ़ी कारगर साबित नहीं हो रहे, और जब तक किसान कुछ कर पाता है उसकी ज़्यादातर फसल पूरी तरह चौपट हो जाती है। हमारी टीम को सूचना मिली कि जोधपुर ज़िले के देचू तहसील के चांसमा गांव में टिड्डियों ने पड़ाव डाला रखा है, और यहां पर अब उनका पेस्टिसाइड के जरिए उन्हें कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। गाँव के कुछ लोग हैं जो कल रात से ही परेशान है, शायद ये ढंग से सो भी नहीं पाए क्योंकि इनके गाँव में टिड्डियों ने डेरा डाल रखा था। भाई साहब, कैसे पता लगा टिड्डी अगर आई थी, और कब से ये हालत है आपके यहाँ? ये 5-7 दिन हो गए यहाँ घूम रही है, रात को 8 बजे तक ये घूम रही है, फिर बाद दिन भर 5-7 दिन सुबह नहीं आने। खेतों को भी नुकसान पहुँचाया, किसी खेत सारा नष्ट कर दिया, फसलें काट काट के। आपकी खुद की भी खेत? मेरी खुद की फसल, किस चीज़ की? जो गेहूँ की है, और ज्यादातर जीरे को नुकसान ज्यादा पहुँचाया। तो ये अधिकारी लोग पहले ही आके कर दिए थे काम, या अभी थोड़ा लेट आज ही आए? अधिकारी तो काले 2-3 दिन से कोशिश चल रही है, लेकिन ये कंट्रोल हो नहीं पा रही है, आज इसको ज्यादा कंट्रोल किया है। भाई साहब, आपके सो पा रहे हो? आपके इलाके में टिड्डी 5-7 दिन से परेशान कर रही है, आपको सो ढंग से पा रहे हैं पूरे किसान भाई अपने यहाँ पर? सो तो रहे हैं, पर नुकसान तो हो ही रहा है, नुकसान तो खेतों में जहाँ जीरे में ज्यादा जीरे में नुकसान कर रही है। अच्छा, बाकी दूसरे फसल कम है, जीरे में ज्यादा नुकसान है। जीरे में हम किसान भाइयों ने सब ये ढोल है ना, सब एक एक ट्रैक्टर घर घर के 50 ढोल लगा के ये कंट्रोल की थी। अच्छा, रात रात को 5 बजे से तक ये ढोल स्प्रे की थी। तो ये इस तरह से घोल डाल रहे हैं लगातार, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टिड्डियों की प्रजनन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो हॉपर्स आए थे यानी कि टिड्डियों के छोटे दल आए थे वे अब बड़े हो चुके हैं, जिसके चलते अब ये और भी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। हालाँकि इन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, इन्हें मार गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो दुश्मन आया हुआ है लगातार अपनी तादाद बढ़ाता ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में पहली बार इतने महीनों तक टिड्डियों का आतंक किसानों को झेलना पड़ रहा है। ये पीले फूल सरसों के हैं, जो कि माधव सिंह जी की मेहनत का नतीजा है, लेकिन यहाँ पर पीले फूल आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर जितने भी जगह देखेंगे फूल आपको गायब मिलेंगे, टिड्डियों ने इन्हें खा लिया। ये है पाकिस्तान से आई ये टिड्डियाँ, यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रखा था, जिसके चलते खेतों में इस तरह से ये टिड्डियाँ मरी पड़ी। अभी भी ये टिड्डियाँ जिंदा है, पूरी तरह मरी नहीं है, लेकिन इनकी मारक क्षमता की यदि मैं बात कहूँ तो 150 किलोमीटर तक प्रतिदिन ये उड़ान भर सकती है, और एक बार में यदि टिड्डी दल का हमला होता है तो
2500 से भी ज्यादा लोगों के एक वक्त का खाना ये पूरी तरह चट खर जाती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं होती खेत खलियानों को कदर इसने नुकसान पहुंचाया होगा। माधव सिंह जी खुद हमारे साथ हैं, इस खेत के मालिक। माधव सिंह जी, पहली बात है कि ये खेत में आपने क्या उगाया था और आज सुबह आपने क्या देखा यहाँ पर जब वो टिड्डियाँ आई थी उस वक्त? रायडा भाया था, मैंने टिड्डी खा गई सब। 2 बजे आई थी, 20-25 आदमी नाटक गणाए, मैंने तो भी टिड्डी खा गई। पीपा बजाया और धुआं भी करा, तो अभी टिड्डी रुकी नहीं है, फसल नष्ट कर दी। नष्ट कर दिया, तो अब ये टिड्डियाँ जो यहाँ पड़ी है, आपके तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया होगा। अधिकारी वगैरह को आपने बताया कि टिड्डी वगैरह आई, वे आए उनको भगाने? हाँ, भगाने के लिए अधिकारी नहीं पुगा, नहीं पुगा हमारे पास, कोई नहीं पुगे, नहीं पुगा। तो फिर आपने क्या किया, फिर कैसे भगाया? पीपा बजाया और धुआं करिया है और वो खा के उड़ी बस। तो अब बार भी खेत में बहुत सारी टिड्डियां यहाँ पर मरी पड़ी है, जिंदा है, तो सब नुकसान नहीं करेगी? हमें करेगी तो क्या करेगा, सब थक गए हम तो, खाती है। अब पटवारी ने आया था, देख के गया है, बाद में आया था, टिड्डी ज्यादा होती जब गया, नहीं आया और ये पड़ी है। ये केवल आपके खेतों की बात नहीं, आपके आसपास के खेतों में टिड्डी लगातार पिछले 5-6 महीने से इसी तरह किसी न किसी का खेत खा जाती है आके, तो फसल को नुकसान हो रहा है। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? अरे सरकार से तो हम माजा चाहते हैं, क्या सहाय, हम तो रुड़ गए हैं बस। पहली बार ट्यूबवेल करा है और फसल सब नष्ट हो गई है, हम तो पहली बार करा है, फसल सब खा गई। यहाँ पे देखो मुझे थोड़ी सी टिड्डियाँ दिखाई दे रही है, क्या ये थोड़ी सी आई थी या उस वक्त कैसा था? बस पड़ी है इस, बहुत ज्यादा आई थी, सुर नहीं देता, बस सिया पड़ गई थी माथे, बादल की तरह हो गई थी। ये देखो ये बांधो सिंह जी जो बता रहे कि जब टिड्डी दलों ने एक साथ आक्रमण किया था तो उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि ऊपर एक बादल सा आवरण बन गया था, यानी इतनी संख्या में ये एक साथ आई थी, इनके खेतों में बैठ गई, घर के सभी महिला हो चाहे बच्चे हो, सबने इस तरह से हाथों में ये कनस्तर पीपे उठा लिए लोहे के और इसे बजा दिया। किस कदर बजाया, इनकी हालत क्या हो गई है ये आप खुद देख सकते हैं, जैसे इस बच्चे के हाथ में है ये देखो, इसको इतनी जोर जोर से बजाना पड़ा, उसके बाद उसकी ये हालत हो गई है। ऐसे एक नहीं है, आपको कई पीपे ऐसे मिल जाएंगे लोहे के, और इसी तरह से ये लोग भगा भगा कर अपने तरीके से टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। दुख इस बात का है कि सरकार दावे तो कर रही है कि टिड्डियों पर नियंत्रण कर लिया जाए, लेकिन पिछले 8-10 महीने से लगातार जिस तरह से खेतों में किसानों को नुकसान हो रहा है, शायद सरकार की कहीं ना कहीं कमी कुछ नज़र आ रही है कि यदि समय रहते हुए इन्हें बॉर्डर पर ही निपटा देती तो शायद किसानों की फसल को इस कदर राजस्थान में नुकसान नहीं होता। इसी पेड़ पर टिड्डियों ने कल रात से पड़ाव डाल रखा था, जिसके बाद यहाँ पर मेलाथियन नाम के एक जहरीले रसायन का छिड़काव किया गया ताकि इन्हें मार गिराया जा सके। दवा छिड़क गई है और उसके बाद यहाँ पर इन टिड्डियों की तादाद देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी तादाद में ये टिड्डियाँ पेड़ से अब नीचे गिर गई हैं, और इन पर अब धीरे धीरे जो मेलाथियन रसायन है वह असर दिखाना शुरू कर रहा है। हालांकि अभी तक ये पूरी नहीं मरी हैं, लेकिन इनके पंख हैं काफ़ी हद तक अब इनके लिए उड़ने में इनको कारगर साबित नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो टिड्डी दिख रही है इसमें कई सारी टिड्डियाँ आपको ये पीले कलर की भी दिखाई देगी, बाकी सब आपको ब्राउन भूरे कलर की दिखाई देगी, लेकिन कुछ पीले रंग की भी टिड्डियाँ हैं, और इन पीले रंग की टिड्डियों के लिए ऐसा कहा जाता है, जैसा यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये टिड्डी दो रंग आपको साफ नज़र आ जाएंगे, एक तो ये ब्राउन कलर का है और ये पीला। पीला यानी कि अब ये अंडे देने वाली है, यानी कि इसी तरह की टिड्डियाँ इनकी तादाद को काफ़ी बढ़ा देगी, और यही वो है जिसे कंट्रोल किया जाना सबसे जरूरी है, क्योंकि एक बार में काफ़ी तादाद में ये टिड्डियाँ प्रजनन क्षमता की क्षमता ताकत रखती है और इन्हें कंट्रोल किया जाना जरूरी। तो ऐसे में इन टिड्डियों पर ये तो फसलों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जिस इतने लगातार पिछले 7-8 महीने से केमिकल मारकर डालकर इन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो पीले रंग की टिड्डी दिख रही है इनके कारण इन टिड्डियों की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यानी कि भले ही ये पाकिस्तान से कुछ लाखों की संख्या में आई थी, लेकिन अब करोड़ों की संख्या में यहाँ पर इनके होने के कारण इसी तरह की ये पीली टिड्डियाँ ही है।